أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. رب زدني علما، رب زدني علما، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المدثر ہے جی آج ان شاء اللہ اللہ کے فضل سے 73 سورتیں ہم نے پڑھ لی 114 میں سے. دیکھیں سفر شروع کیا تو کہیں پہنچ ہی گئے. اللہ برکت عطا کرے. ویسے یہ دوسری وحی ہے، پہلی وحی اقرأ بسم ربک آئی تھی. उसके बाद अगले 6 महीने वही नहीं है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार करते रहे, इसे दौरे फतरत कहते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर करने का, समझने का, मजबूत होने का मौका दिया अल्लाह ने. अल्लाह ऐसे ही करते हैं. तो इस वही के बाद 6 महीने तक वही नहीं है. बुखारी की पहली जो है ना हदीस किताब ईमान की वही के बयान में, वो यही हदीस है. तो आप बहुत बहुत बेकरार थे और यानी फिक्रमंद भी थे थोड़े, के यानी कि फरिश्ता है तो आ क्यों नहीं रहा वगैरह है. 6 महीने गुजर गए इस बात को, इकरा बिस्मी की वही को. तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से निकले तो किसी ने आपको आवाज दी, मोहम्मद. आप कहते मैंने आगे बाएं आगे पीछे दाएं बाएं देखा, कोई नहीं था. फिर आवाज आई, मोहम्मद. तो कहते मैंने सर उठाकर देखा तो वही बट्टा जो मुझे गार में मिला था, जिब्राइल. वो एक कुर्सी पर बैठे नजर आए और कुर्सी की कमर यानी बैक साइड जो है वो आसमान में जा रही थी और पैर जमीन में जा रहे थे और हद्दे नजर तक बस वो कुर्सी और वो बंदा ही था. अब डर गए, नेचुरल है. आप गार में हो पहाड़ के और अकेले हो और ना बंदा और ना बंदे की जात, और ऐसे ही आपको मंजर नजर आए, फिर ही अमर. आप डर गए, दौड़े घर आए और घर आकर लेटे बिस्तर पर और हजरत खदीजा से कहा, दस तीरू नहीं, दस तीरू नहीं, मेरे ऊपर कुछ डाले. कपकपी चढ़ी हुई थी, मेरे ऊपर कुछ डाले. तो उन्होंने खेस आपके ऊपर डाला. खेस कहते हैं जिससे मोटी चादर, वो डाल. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत थोड़ी सी जब करार पजीर हुई, जिब्राइल आ गए और ये सूरत है या अय्युहल मुदस्सिर है, ओढ़ लपेट कर लेटे हुए. मोहब्बत का नाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लफ्जी मतलब है लपेटने वाला, रैप अराउंड करने वाला. कुम फांजिर, खड़े हो जाइए और खबरदार कीजिए. ड्यूटी पर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्फीज हो गई, आप नाफिज कर दिए कि अब उठ जाए. कुम का मतलब है खड़े हो जाओ, कामा ये कुमू से. फांजिर, ऐलान कर दीजिए, आगाह कर दीजिए, वार्निंग दे दीजिए. किस बात की? मरना है, अल्लाह को किताब देना है. नहीं करोगे अच्छे अमल, जहन्नुम में जाओ. वरब्बका फकब्बिर, अपने रब की अजमत को, बड़ाई को बयान कीजिए. अच्छा, अब मामला ये है कि सबने खुदा बना रखे है ना, मगर हमारा अल्लाह बड़ा है. अल्लाह हो तो सबसे बड़ा है. बताएं अल्लाह के सिवा कोई रब है नहीं और बड़ा बस अल्लाह है, तो अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए. वसियाबका फतहिर, अपने कपड़े पाक रखिए. आप वैसे भी रखते थे मगर अब खास तौर पर हुक्म आ गया कि दीन के काम के लिए क्या जरूरी है, पाकी. लिहाजा आप पाकिस्तान में देखें, गंदे मंदे जुए पड़े हुए बाबे मलंग, इतने गंदे होंगे उनके बाल के लट्टे मर गए होंगे. वो एक बाबा था, मजाक नहीं, फैसलाबाद में, उसको कहते थे लट्टा वाली सरकार. तो वो एक धोती सी पहन के घूमता रहता था, बाकी बॉडी से नंगा, धोती पहनी होती. लेकिन वो इतने अरसे से नहीं नहाया था कि उसके बालों के लट्टे बन गई. इमेजिन करें, पता नहीं वो बेचारा नशई था. वो किसी को खुद कुछ नहीं कहता था. एक तो होता ना कि कोई पीर बना हो, नहीं, वो तो फिरता रहता था बस बाजारों में, लोग खुद ही उसको बाबा मानते थे. हाँ, अब पता नहीं वो पागल था या वो नशई था, क्या था उस, क्योंकि वो मैं यानी एक दो दफा फैसलाबाद गई तो जब यानी उसको देखा
तो मैंने उसे कभी किसी से बात करते या किसी को बुलाते या कुछ कहते नहीं देखा। वो बस ऐसे जैसे कोई दिमागी मसला हो बस फिरता, डामाडोल सा फिरता रहता था, बस हर वक्त फिरता रहता था, या सड़क के किनारे बैठकर तो लोगों को बस देखता रहता था, वो किसी को कुछ नहीं कहता था। आप पता नहीं वो बेचारा ज़हनी मरीज था या वो नशेड़ी, अल्लाह हुआ। लेकिन लोगों ने उसको भी बाबा बनाए रखा, फिर वो मर गया तो उसकी कब्र बनाई, अब वहां पे बड़ा मशहूर है, यानी कि बड़ा बहुत बड़ा मजार बना दिया हुआ है बाबा लट्टा अली सरकार। लट्टे थी उसकी। अगर आप इमेजिन करें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरा हुक्म आ रहा है और अल्लाह कह रहे हैं सहाबा का तहिर, अपने कपड़े पाक रखिए। जो बंदा बेचारा इस हालत में है कि उसको अपने कपड़ों का होश नहीं है, अपनी जिस्मानी सफाई का होश नहीं है, वो इतने अरसे से नहीं नहाया कि उसके बालों की लट्टे बन गई हैं, पता नहीं वो किस हालत में है, वो पागल है, वो बीमार है, वो आसेब जदा है, वो नशेई है, वो किस कैफियत में है, क्या पता। और आप उससे अपने मसले हल कराने जा रहे हैं, वो अल्लाह का करीबी कैसे हो सकता। जिस दीन में अवलीन एंट्री के लिए, इस्लाम की कबूलियत के लिए गुस्ल शर्त हो, और पहली इबादत के लिए, नमाज के लिए वुजू शर्त हो, उस दिन में इस तरह वाले बंदी की क्या क्या हो सकती है हैसियत, कोई नहीं। उस तो पता नहीं वो बेचारे अपनी किस कैफियत में होते हैं, किस में नहीं होते। और ये उनको हमारे, मेरे बचपन की याद है, जिधर मेरी अम्मी का घर है तो उधर एक बेचारे बाबा जी बैठे होते थे। अच्छा वो बाबा जी भी ना बस ऐसे ही अपने आपसी बातें करते रहते, बुढ़े आदमी थे तो कोई खास हुलिया नहीं था ऐसा कि कोई बाल या कुछ, आम से आदमी थे और बस वो अपने आप से बातें करते रहते। और वहां पर एक खाली प्लॉट था, अच्छा उनका कोई ठिकाना नहीं था बेचारे का, तो वो एक खाली प्लॉट था तो वहां पे वो बैठे रहते थे, तो वहीं पर सो जाते थे। सर्दी में कोई ना कोई खुदा तरस कम्बल शम्बल पकड़ा देता था, वहीं पर पड़े रहते थे बेचारे। तो उन्होंने क्या करना, वहां पे ना प्लॉट पे खाली प्लॉट था, बिल्लियां बहुत आती, तो वो क्या करते थे कि वो ना सुबह सुबह कसाइयों की दुकान पे चले जाते थे, छड़े इकट्ठे करते रहते सारा दिन और लाके बिल्लियों को डाल देते थे। बाकी कोई बंदा कभी मैंने उनके आसपास नहीं देखा, और वो अकेले बातें करते रहते थे, खुद ही बोलते रहते। पता नहीं क्या उस पे बेचारे पे बीती थी, शायद बच्चों ने घर से निकाल दिया था, शायद कोई हादसे में फैमिली को कुछ हो गया था, अल्लाह ही बेहतर जानते। अब उसकी क्या कहानी थी, हम स्कूल आते जाते उनको बैठा हुआ देखते थे, फिर वो बेचारा मर गया। तो वहां आप जाके देखे बाबा बिल्लियां ली सरकार, बड़ी बड़ी। हालांकि जिंदगी में उस बंदे ने कभी कुछ हरकत नहीं की, यानी कि ये उस बंदे का कसूर नहीं है, वो बेचारा तो बस बैठा अपने आप से बातें करते रहते थे, बुजुर्ग से आदमी थे, और किसी ने दे दिया तो खा लिया, मांगते भी नहीं, बस लोगों को पता था यहाँ बैठे रहते हैं तो जैसे कोई ना कोई आके रोटी रोटी दे जाता, कभी कोई कभी कोई, तो दे दिया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। बस उनका एक ही मशवला था, वो इकट्ठे करते थे छिछड़े और लाके डाल देते थे। अब जाहिर वहां बिल्लियां हर वक्त रहती थी। अब वो मर गए, उनके मरने के बाद पहले कब्र बना के चार दीवारी बनाई, उसके ऊपर लिखवा दिया बाबा बिल्लियाली सरकार। अब वो ठीक ठाक मजार बन गया है। अब वहां पर जाहिर है वो डालते थे खाना तो बिल्लियां थी, अब वो मर गए, अब लोगों ने डालना शुरू कर दिया, अब वहां बिल्लियां, अब वो कहते देखो थे बिल्लियां आंगी, बिल्लियां तो आन गया तुझे तो खाना पान दे, छोड़ दो खाना डालना मैं देखू बिल्लियां हैं। बेचारे को तो पता भी नहीं, उस बेचारे का, उनका कसूर, इन इनकी हद तक मैं, उनका कोई कसूर पता नहीं, मेरा जात पता नहीं उस बेचारे का क्या गम था क्या नहीं था, वो क्यों अकेले थे। उस बेचारे का तो सर ठिकाना छुपाने का ठिकाना नहीं था, ना उसने कभी किसी को कुछ कहा। लेकिन हमारे लोगों का हाल तो हर नंगा गंदा जुओं वाला बंदा, हाँ बाबा जुए अली सरकार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या हो गया तुम लोगों को। इस्लाम का पहला तकाजा सफाई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही इकरा बिस्मी की 5 आयतें आई, अगली वही सूरह मुदस्सर की 7 आयतें हैं, जो दूसरी वही थी, बाकी सूरह मुदस्सर बाद में आई। तो देखिए चौथी आयत में अल्लाह कह रहे हैं सियाबी का फताहिर है, नबी अपने कपड़े पाक रखा करे। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही बहुत सफाई पसंद थे फितरत, मगर मजीद ताकीद आई पाक रखना, और रुज फहजुर गंदगी से अलग रहना, यानी फिजिकली भी और इंटरनली भी गंदी चीजों से दूर रहना। रुज असल में फिजिकल गंदगी को ही कहते हैं। अब इस पर अजीब अजीब बातें करते हैं कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साफ रहते थे, ये हुक्म क्यों आया। भाई अब कोड बन रहा था ना, आप साफ रहते थे वो आपका मिजाज था, अब तो अल्लाह ऑर्डर दे रहे। तो
रूजिस कहते हैं फिजिकल गंदगी, जो भी नजासते हैं, तो उनसे दूर रहने, यानी अपने आप को पाक रखने। कुछ चीजें तो हम अपने अंदर से खत्म नहीं कर सकते ना, पेशाब तो आएगा, पॉटी तो आएगी, मगर उसके बाद खुद को क्लीन करने। तो आपको अगला हुक्म देखें सफाई का। मैं सबसे पहले जिब्राइल ने क्या सिखाया आपको, गुसल और वुजू का तरीका, क्योंकि नमाज कायम करनी है ना, नमाज कैसे कायम होगी बगैर वुजू के, और वुजू नहीं होगा बगैर गुसल। और हर बंदा जो मुसलमान होता है, सबसे पहले हम उसे सिखाते हैं गुसल और वुजू। और हमारे जैसे दीन के लोग इस तरह के गंदे लोगों के पीछे चल रहे हैं, तो फिर अस्तग़फ़िर अस्तग़फ़िर, दीन का मजाक है। हिंदू करते हैं ना, उनकी समझ आती है बात, उनके यहाँ तो सबसे ज्यादा समझ आने से मुराद ये है कि उनके धर्म के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा करीब है वो लोग जो दुनिया तर्क किए हुए। तो उनके जो नंगे साधु होते हैं, अघोरी, वो उनकी लैंग्वेज में अघोरी, हम उनको नंगे साधु साधु कहते हैं, वो कपड़ा पहनना भी छोड़ देते, वो बिल्कुल लंगड़ अंग रहते हैं, अस्तग़फ़िर। और वो घर में नहीं, घर रहने के लिए घर नहीं बनाते, वो कब्रिस्तानों में, शमशानों में जाके ये लेके रहते, और पका के नहीं खाते, नेचुरल फ्रूट फ्रूट तोड़ के खा लिए जी, हमने दुनिया तर्क कर दी। तो वो मानते हैं कि इन्होंने चूंकि भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो ये सबसे करीब है। तो जब वो नांगे साधुओं के पैर छूते हैं ना, तो उनके चूंकि उनके यहाँ ये मिसकंसेप्शन बतौरे मजहब पाई जाती है, तो उनकी समझ आती है। हमारे यहाँ तो गुंजाइश ही नहीं, सतर की भी हमारे यहाँ कितनी पाबंदी है आपको पता है, पर्दे की किस शिद्दत से पाबंदी है, मर्द के लिए भी, औरत के लिए तो है, मर्द के लिए भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई मर्द किसी मर्द की रान ना देखे, ना जिंदा की ना मुर्दा की, सिर्फ औरत की पाबंदी नहीं। एक सहाबी आए आपके पास, कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द का सतर क्या है? आपने कहा, नाप से घुटनों तक। तो कहने लगे, मैं इसकी कितनी पाबंदी करूं? देखा, जितनी हो सके। जब आप लोगों में बैठे, अपने आप को जितना मुमकिन हो कवर कर, तो इस जितना मुमकिन हो, इसलिए कहा कि बिल्कुल मदीना के शुरू शुरू के दिन के लोगों के पास शर्ट्स थी ही नहीं, इतने पैसे ही नहीं थे। तो कहने लगे, जब मैं अकेले में हूं, आपने कहा अल्लाह ज्यादा हकदार है इस बात का कि तुम से हया करो, कि तन्हाई में भी नंग रंग नहीं रहे। और नमाज में मर्दों के लिए भी लाजम है कि शाने कवर करे। तो बहरहाल कहने का मकसद यह है कि इस्लाम में सतर और सफाई, तहारत दोनों पर इंतहाई जोर दिया। अत्तहूरु मिन शत्रुलिमुन, तहारत पाकी, ये तो ईमान के शोबों में से एक शोभा है। मगर हम ऐसे गंदे लोग, अब देखें इमाम बरी की जो कहानी बनी हुई है कि जी इमाम बरी तो सारी से जुए टपकी और वो मगरमच्छ बन गए। फिर पहली गल है, दसो इमाम बरी ने गंदे क्यों सन काटे, क्यों ना जिस जुआ टपकी नहीं ला पाई है। और अल्लाह पाक क्या मसला था माज अल्लाह, कि अल्लाह उनके सर की टपकी जुओं को मगरमच्छ बनाए। और जाकर जरा साइंस को देखो, जुओं की का डीएनए अलग है और मगरमच्छों का डीएनए अलग है। और सबसे अहम बात यह है कि इतने गंदे लोग आ कहाँ से गए जो अल्लाह के वली हो गए, अल्लाह के सबसे बड़े वली, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको सेकंड ऑर्डर ही याद है, कपड़े साफ रखे, गंदगी से दूर रहे, फिजिकली गंदा नहीं रहना। हालांकि आप नहीं रहते थे, मजीद कहा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक बहुत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे ना, तो 2 रकअतें लंबी पड़ी, फिर सलाम किया, तो थोड़ा सा गैप देते थे, तो उसमें दोबारा ये मिसवाक करते, फिर 2 रकअतें पड़ी, फिर मिसवाक की ना करते। तो आप कहने लगे कि जिब्राइल मुझे इतना इसरार करते हैं मिसवाक ज्यादा करने पर, कि मैं सोचता हूँ क्या करूँ, क्या अपना मुंह छील डालू, कितनी मिसवाक करूँ। तो आप देखें इस कदर के आपकी सांस में से स्मेल नहीं आनी चाहिए, इतना ज्यादा इस्लाम पाकी पर और सफाई पर जोर दे। तो उस दीन में पहुंचे हुए लोग वो कैसे हो सकते हैं जिनको अपने तन बदन का होश है? कोई जवाब ही नहीं, कहीं से कोई लाइन नहीं मिले। तवहमात हैं जी, सारे तवहमात हैं। वो एक बाबा बोदी अली सरकार, पिछले दिनों बड़ा फेमस हुआ था, 2 साल पहले की बात है, तो मेरी भी नजर से उसकी वीडियो गुजरी। तो वो कहने लगा, बाल उसके लट्टे बनी हुई, उसने बोरी बांधी हुई थी,
सिर्फ एक बूढ़ी बॉडी पे बांधी हुई थी। तो वो जो लड़का पूछ रहा था उससे, तो कहने लगा कि आप कब से नहीं नहाए। कहते बड़े साल हो गए, पंजाबी बोल रहा था। तो उसने कहा कि अब क्यों नहीं नहाते। कहते हैं साढ़े मेरे मुर्शिद ने मुझसे वादा लिया था कि नहाना नहीं और बोरी पहन के रहना। और वो लोग इतने जमा हुए हुए थे, वो कोई होगा उनका उस मेला जो भी था, तो वो इतने लोग थे कि वो कैमरा पैन कर रहे थे तो लोग ही लोग थे, मर्द होते। और वो ना माइक पे सीरियसली नंगी गालियां दे रहे, कि जरा तमाल ना पाए उसी भैन एंजे, जरा तमाल ना पाए उसी माँ एंजे। और वो लोग नाचे जा रहे। क्या दिमागों की खराबी है आपकी? आपको हो क्या गया है? एक बंदा जो बरसों से नहाया ही नहीं, और वो साफ कह रहा है कि मेरा तो अहद है अपने पीर के साथ कि मैं नहीं नहाऊंगा, तो वो कौन से दीन का फॉलोअर है? वो तो शैतान का फॉलोअर है। और वो तुम लोगों को कह रहे हैं नाचो, मर्द औरतें सब नाचो, और जो नहीं नाचेगा वो गालियां दे रहा है खुली, और तुम लोग और नाच रहे हो और नाच रहे हो। वो क्या गया है? किस दीन के पीछे चल रहे हो? ये इस्लाम नहीं है, कि कोई भी दीन हो तुम लोगों का इस्लाम नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओहो, तो देखिए तकलीफ होती है मुझे देखकर, कि गंदे अस्तग़फिरुल्लाह जिनको देखो उल्टी आए, उन लोगों को जो हैं वो चून चाट रहे होते हैं बाबा जी मान। हालांकि अल्लाह ने दूसरा हुक्म, हुक्म पहला है वही दूसरी है, कि क्या दिया? पहला हुक्म क्या आया? इकरा पढ़ो। और हम सबसे ज्यादा जाहिल हैं। और दूसरी बात क्या कही? पाक रहो। हम खुद भी पाकी सफाई का कोई खास ध्यान नहीं रखते लोग हमारे। और कोई फर्क नहीं है, एक आलिम की बड़ी पहचान क्या होनी चाहिए? पाक साफ नजर आना चाहिए। देखे ना जो मौलवी हैं, वो चाहे बरेलवी हो कोई भी हो, आप देखे उनके चेहरे चमक रहे होते हैं वुजू कर करके, वुजू करते हैं बार बार। तो जो बच्चे बच्चों को कुरान शुरान पढ़ाते हैं आप देखें, साफ सुथरे होंगे चाहे उनके कपड़े पुराने हो। अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट, के वो शिया है कि सुन्नी है कि बरेलवी है कि कौन है, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं वो बावजूद रह रहे हैं ना, वो बार बार वुजू करते हैं बार बार। तो पहचान, ये तो इन्होंने ड्रामे बनाए। तो हमें दूसरा हुक्म है जी, हमारे नबी को है तो हमें भी बदरजे उला है, कि साफ सुथरे कपड़े पहने और गंदगी से अलग रहे। वला तमनुन तकसिर, एहसान इसलिए मत करें कि ज्यादा पा सके। समझ आई? किसी को इसलिए मत दें कि वो पलटा कर आपको ज्यादा दे। माल की बात नहीं है, कोई भी चीज इज्जत दी, अब उसने मेरी इज्जत नहीं की ना करे, मेरा अखलाक मेरे साथ उसका अखलाक उसके साथ। नहीं, वो मेरे घर आए थे तो मैंने इतनी इज्जत की थी, मैं उसके घर गया तो उसने मेरी इज्जत नहीं की, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पड़ता है, क्योंकि हम इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कल को हमारे लिए किया। हम किसी के घर शादी पर गए, हम इतने देकर आए, उसने हमें इतना क्यों नहीं दिया? या हम उसकी शादी पर गए, वो हमारे घर शादी पर क्यों नहीं आए? भाई आपका अखलाक आपके साथ, अगले का अखलाक अगले के साथ, छोड़ दे चीजों। जिसके साथ जो नेकी करें अल्लाह की रजा के लिए करें, अगला पलट कर नेकी करे तो उसके लिए जजाए खैर है, अगला पलट कर नेकी ना करे तो ना करे। हमें क्या, हमने नेकी इसलिए थोड़ी की थी कि कल को हमारे लिए करे। ये सोच ही गलत। जब जब काम इस नीयत से करेंगे कि अगला पलट कर मेरे लिए करे, आपको रंज मिलेगा, क्योंकि पता नहीं अगला करे ना करे, हर किसी का अपना मिजाज है। ये भी तो हो सकता है कि अगला सोचे ही ना कि इसको मुझसे जरूरत है। अल्लाह की रजा के लिए काम, जिसके लिए जो नेकी करे, जो मन असल में कहते हैं इसी के साथ हुस्ने सलूक करते हैं। तो किसी के साथ हुस्ने सलूक इसलिए करें कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। इसलिए मत करें कि ओहो मैं आज हुस्ने सलूक कर रहा हूँ, कल ये मेरे साथ करे। औलाद के साथ भी ये सोच करना, हम तो औलादे भी ये सोचकर पालते हैं कि कल हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, फिर वो जब नहीं बनते फिर हम रोते हैं रंजीदा होते। अल्लाह उनको हमारे हक में नेक कर दे, आमीन। लेकिन उम्मीदें ना वाबस्ता करें, सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता निभाना है, चाहे वो बच्चे पालना है, अल्लाह की रजा के। फिर अल्लाह उन्हें हमारे हक में बाई से खैर कर दे, उसकी मेहरबानी है। हो सकता है ना हो हमारे लिए बाई से खैर, क्या पता फोती हो जाए, क्या पता कहीं दूर चले जाए।
क्या पता वो हमारे साथ ना निभा सके, कुछ भी हो सकता है। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, आप नहीं जानते क्या होने वाला, तो जो काम करो बस अल्लाह की रजा। अल्लाह जो है वो शकूर है, कदरदान है, वो किसी का काम जाया नहीं। बाकी लोगों के लिए करेंगे तो फिर मुश्किल है, लोग लोग कोई किसी का एहसान नहीं मानता। हमने अपने माँ बाप का माना आज तक, तो हमारी औलादे हमारा कहाँ मानेंगी, बस ऐसे ही है। तो सबसे पहली बात क्या सिखा दी अल्लाह पाक ने, लोगों से बेनियाज हो जाए। हाँ, लोगों के लिए कुछ नहीं करना, सब कुछ अल्लाह के लिए करना। तो जब लोगों से तवक्कुआत नहीं होंगी तो हम बेनियाज हो जाएंगे। वली रब्बी का फसबिर, अपने रब के लिए सब्र कीजिए। काम करना है तो रुकावटें तो आएंगी, तकलीफें तो होंगी, इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। फराज अहमद फराज कहते हैं, रफाकतों में पशेमानियां तो होती हैं, कि दोस्तों से भी नादानियां तो होती हैं। ये अलग बात कि तुझ पे बहुत भरोसा था, गिला ना हो तो भी हैरानियां तो होती हैं। उदासियों का सबब क्या कहें बजुज इसके, ये जिंदगी है, परेशानियां तो होती। जहां ताल्लुक होगा, रिश्ता होगा, नाता होगा, दीन के लिए हो, दुनिया के लिए हो, खून का हो, ससुराल का हो, परेशानियां तो आएंगी। जिंदगी है परेशानियां, बीमारी, माली तंगी, रिश्तों से आजमाया जाना, सभी कुछ होगा, यही जिंदगी। तो फिर क्या करें, सब्र करें। वही तस्वीर फजालिका मिन आजमिल उमूर, ए नबी अगर आप सब्र कर लें तो ये बड़े अजम के कामों में से है। तो फिर सब्र कर, सब्र कर। देखिए याकूब अलैहि सलाम पर जो मसला आया, यूसुफ अलैहि सलाम की जुदाई का, सगे बेटों के हाथ हुआ है, मगर सब्र किया। उस सब्र का ये नतीजा मिला कि अल्लाह ने सारे बच्चे मिला दिए। तो सब्र करें, आजमाइशें तो आएंगी, अल्लाह की रजा के लिए सब्र। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम शुरू होने वाला था, तो इंस्ट्रक्शंस क्या मिली, सफाई का ख्याल रखें, लोगों से उम्मीदें हटा लें और सब्र पर कायम हो जाए, क्योंकि अब आप काम शुरू करने वाले हैं, रुकावटें तो आएंगी। कोई ऐसा नहीं है जो काम करने के लिए खड़ा हो दीन का और उसके लिए मुश्किल वो तो होंगी। फैजानु किराफिन नापूर, ये 7 आयतें जो हमने पढ़ ली हैं ये सेकंड वही है, बाकी फिर बाद में आगे थोड़े से बाद आया बाकी सूरत सारी। फैजानु किराफिन नापूर, जब फूंक दिया जाएगा सूर में, वो जो बाजा है, फजाली का यौमैज़िन यौमुन आसीर, ये बड़ा ही सख्त दिन होगा। अलल काफरीन गैरु यसीर, काफिरों पर ये हरगिज आसान ना होगा। कयामत का दिन सख्त है और आसान भी, मुकर्रबीन और असाबुल यमीन के लिए आसान है और काफिर और फासिकों के लिए मुश्किल है, मगर अल्लाह कहते काफिरों के लिए आसान होगा भी नहीं, माफी नहीं मिलेगी ना। नहीं छोड़ो मुझे, वमन खलक तू वाहिदा, और उसे जिसे मैंने तनहा पैदा किया, यानी अल्लाह गजबनाक होंगे ना, अल्लाह कहेंगे कोई बीच में नहीं आएगा, ये मेरे बंदे जिन्हें मैंने खुद पैदा किया, मैं खुद ही इनसे हिसाब दू। कहने की जरूरत नहीं होगी, अल्लाह किसी किसको कहने, अल्लाह ने कौन रोकेगा अल्लाह को। ये आज अल्लाह हमें कह रहे कि कयामत के दिन मैं तनहा हिसाब लूंगा हर बंदे से। वजअल्तु लहु मालम ममदूदा, और मैंने उसे बहुत माल दिया। वह बनीना शुहूदा, और हाजिर रहने वाले बेटे दिए। वह महत्तु लहु तमहीदा, और मैंने उसके लिए बिछोना बिछाया, चीजें आसान कर दी। तुम्मा अतमऊ अन अजीद, अभी भी वो सबाई कहने उससे और ज्यादा दूंगा। ये आयतें खास तौर पर है वलीद बिन मुगीरा के बारे में। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का बाप था और कुफार का सबसे सीनियर और समझदार सरदार भी था, मगर ये बदर से पहले मर गया, मक्का में यानी हिजरत से पहले मर गया था, बूढ़ा था ना, मर गया, काफिर ही मर गया। तो खास उसके लिए है, बाकी हर काफिर के लिए है, सारे काफिर सरदारों का यही हाल था। बेटे थे, औलादे थी, फरमा बरदार भी थे बेटे, पैसा भी था, स्टेटस भी था, और जब उनको कहा जाता कि आखिरत की तैयारी करो तो कहते कि अल्लाह ने दुनिया में हमें नवाजा है ना, तो अगर आखिरत होगी तो आखिरत में भी अल्लाह हमें ही नवाजेगा। हम अल्लाह के प्यारे हैं तो अल्लाह ने दुनिया में दिया ना, आखिरत में क्यों नहीं देगा। तो अल्लाह कहती इससे भी लगता है कि और मिलेगा आखिरत के बारे में।
अल्लाह हरगिज नहीं, इन्नहु कान अली आयातिना अनीदा, ये तो हमारी आयतों का दुश्मन बनकर बैठ गया था। आखिरत में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि दुनिया में इसने मेरी आयतों के साथ दुश्मनी की। साउर ही कुहू सऊदा, अन करीब में इसे एक ऐसी चढ़ाई चढ़ाऊंगा जो बड़ी मुश्किल होगी। स्वाद कहते हैं मुश्किल घाटी चढ़ने, मुश्किल पहाड़ी चढ़ने, तो जहन्नम की बात हो रही। मुहावरा है मुश्किल घाटी चढ़ना, यानी के मुश्किल काम करना, तो जहन्नम की सजा की तरफ इशारा है कि आन करीब हम इन्हें जहन्नम में डालेंगे जहां सख्त सजा देंगे। इन्नहु फक्करा व कद्दर, बेशक उसने सोचा और अंदाजा लगाया। फकुतिला कैफा कद्दर, मारा जाए ये कैसा अंदाजा लगाया बदबख्त ने। सुम्मा कुतिला कैफा कद्दर, हलाकत है इसके लिए कैसा अंदाजा लगाया इसने। सुम्मा नजरा, सबको देखा। सुम्मा अबसा व बसरा, मुंह बनाया तेवरी चढ़ाई, यानी माथे पर बल डाले। तेवरी चढ़ाना होता है किसी चीज को गौर करते हुए आप ऐसे करते हैं ना, तो माथे पे बल पड़ जाते हैं, इसको कहते हैं तेवरी चढ़ाना, ये माथे के बलों को। और मुंह बसूरना, सोचते हुए हम मुंह बनाते हैं ना तरह तरह के मुंह, इस तरह ये मतलब। सुम्मा अदबरा वस्तकबर, वो पलटा और उसने तकबूर किया। ये जी वलीद बिन मुगीरा की बात हो गई। फकाला इन हाजा इल्ला सिहरुन युक्सर, कहने लगा हाँ ये एक ऐसा जादू है जो मुअसर है, चलता चला आ रहा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तबलीग शुरू फरमाई, 2 साल और तकरीबन 4 महीने आप खामोशी से तबलीग करते रहे। खुफिया गलत लफ्ज है, खुफिया तो होता है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड नहीं थे आप, लेकिन आप पब्लिक प्लेसिस पर नहीं करते थे, वन टू वन बेसिस पर, जैसे अबू बकर से बात की, अबू तालिब से बात की, अपने और चचाओं से बात की, उनके बेटों से बात, तो जान पहचान वालों को वन टू वन बेसिस। तो इस अरसे में तकरीबन 25-26 लोग इस्लाम लिए, ठीक है, लेकिन कुफार ने उसको कोई सीरियस नहीं लिया। उस वक्त तक अभी ठट्ठा चल रहा था, मजाक चल रहा था, ओहो सुना है मोहम्मद क्या कहता है, वो कहता है मैं नबी हूँ, हाँ हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह वाला रवैया था, सीरियस नहीं ले रहे थे, हंसी मजाक में बातें चल रही। फिर अल्लाह पाक का हुक्म आ गया, फस ता बीमा तुमर, जो आपको कहा गया ललान कह दे। तो सफा की पहाड़ी पर चढ़कर आपने वो पहला खुतबा दिया, छोटा सा, जो आप सबको पता है कि पहाड़ के पीछे फौज छुपी है वाला आपने दिया, जिस पर फिर अबू लहब ने कहा तेरे हाथ टूट जाए, फिर सूरह तबत की अदा आई। अब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाओं के साथ बात करनी शुरू की, जहां 4 लोग इकट्ठे देखते आप खड़े हो जाते। अब इनको प्रॉब्लम ये पेश आई कि हज का महीना करीब आ गया, तो इन्होंने कहा कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे खुदाओं की बुराई करते हैं, हमारे दीन के नक्श बयान करते हैं। अब लोग हज पर जब आएंगे और वो कहेंगे तुम्हारा ही एक बंदा तुम्हारे ही दीन को बुरा कह रहा है, तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? अब इस मसले का क्या करें? तो इस मसले के हल के लिए सारे इकट्ठे हुए वलीद बिन मुगीरा के पास। मैंने आपको बताया कि वो एज में सबसे सीनियर था और सबसे अकलमंद, पढ़ा लिखा। वलीद बिन मुगीरा के मरने से अबू जहल ऊपर आया। वलीद बिन मुगीरा वैसे इन सब में सीनियर, तो उसको आकर सारे बड़े बड़े सरदार जो हैं ये इकट्ठे हुए और कहने लगे कि आप बताओ क्या करें, ये प्रॉब्लम है, अब लोगों ने हज के काफले आने शुरू हो जाने, तो अब हम क्या इस बात का हल करें? तो वलीद बिन मुगीरा कहने लगा तुम लोग बताओ क्या कहें, मैं सुनता हूं। किसी ने कहा कि हम कहेंगे मोहम्मद झूठा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलीद बिन मुगीरा ने कहा जैसे ही लोग मोहम्मद को देखेंगे वो जान जाएंगे कि तुम गलत कह रहे हो, तुम झूठ बोल रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा मोहम्मद को झूठा कहना तुम्हें झूठा साबित करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और ने कहा हम कहेंगे ये नजूमी है काहिन है। वलीद बिन मुगीरा ने कहा बड़े काहिन देखे मैंने, बड़े नजूमियों से मिला हूं, कोई काहिनों वाली बात नहीं है मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम कहोगे लोगों को कि ये काहिन है, लोग जैसे ही उसको देखेंगे जान जाएंगे तुम झूठ बोल रहे हो। किसी ने काम कहेंगे जादूगर है, उस पे क्या वलीद बिन मुगीरा का बड़े जादूगरों से मिला हूँ, कोई जादूगर वाली बात नहीं है मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे कहोगे? तुम कहोगे और तुम्हारा झूठ पकड़ा जाए। किसी ने कहा हाँ हम कहेंगे मोहम्मद शायर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलीद बिन मुगीरा ने कहा तुम कहोगे और लोग जब उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे ना उसमें शायरों वाली शरारत है और ना ही बददिमागी, यानी कि उनका मिजाज ऐसा शायराना है नहीं। कैसे
लगी अच्छा फिर हम कहेंगे कि ये पागल है, जिनज़दा है, मजनून है, इसको जिन आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहने लगा वलीद बिन मुगीरा, कहने लगा कि कौन सी बात है मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे मजनून साबित कर सकोगे। तुम लोगों को कहोगे जैसे ही लोग मोहम्मद से मिलेंगे उसकी पाकीज़ा अदा देखकर जान जाएंगे कि वो मजनून नहीं है, तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहने लगे फिर तुम ही बताओ वलीद बिन मुगीरा क्या कहे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। वलीद बिन मुगीरा खामोश हो गया और जैसा अल्लाह ने कहा है, अब्बास बयान करते हैं बाद कि वो सर पकड़कर बैठ गया, सोच में पड़ गया, फिर उसने सारों की तरफ देखा, फिर सर पकड़कर सोचने लगा, अपनी पेशानी मसलने लगा, फिर सबको देखा, फिर सोच में पड़ गया, 3 बार ऐसा किया जैसा कुरान में बयान भी हुआ। फिर उसके बाद कहने लगा देखो लोगों बात ये है, मोहम्मद का मामला बड़ा मुश्किल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक ऐसा शख्स है कि जिसके बारे में तुम जो बात भी कहोगे तुम्हारा झूठ पकड़ा ही जाएगा, इनकी शख्सियत ऐसी है, तुम जो भी उसके ऊपर बात बांधोगे तुम्हारा झूठ पकड़ा ही जाएगा। लेकिन सबसे सही बात यही है कि कह दो जादूगर। तो ये बात बड़ी उड़ाई इन्होंने, बड़ी उड़ाई इन्होंने। यानी आप देखिए जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुगाने नहीं, जानते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नहीं, जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर काहिन नहीं है, शायर नहीं है, जानते थे मगर मानने को तैयार नहीं। वजह क्या थी? आबा परस्त, आबा परस्ती और दुनिया तलब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत इतनी अजीम है कि कोई बेहुदा बात आपकी शख्सियत तक पहुंच ही नहीं पाती, साबित ही नहीं हो सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहें? तो फिर वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि बस ये बात सबसे सही रहेगी कि कहो जादूगर। अब इन्होंने इस बात को उड़ाया, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को पब्लिसिटी इन्होंने खुद दी पहले पहले। हाँ इन्होंने क्या किया कि कबीले जिन सिमतों में आबाद थे उन्हीं सिमतों से काफले आते थे ना, तो तयशुदा रास्ते होते कि जनूब से आएगा ये कबीले का काफला, इस कबीले का काफला फुलां शुमाल से आएगा, तो उन रास्तों पर अपने हरकारे बिठा दिए, बंदे बिठा दिए और उनकी ड्यूटी लगा दी, जैसे ही पहुंचते उनको रोकते, रोको रोको रोको, हमारे शहर में एक बंदा है मोहम्मद और वो है जादूगर, और वो ऐसा जादू करता है कि भाई को भाई से, बाप को बेटे से, शोहर को बीवी से अलग कर दे, उससे बच के रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी को मिलते ना मिलते जाहिर है, उन्होंने खुद ही सबको बता दिया सारे काफलों में मोहम्मद मोहम्मद हो रही थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जाहिर है कि लोग कॉन्शियस भी थे और लोग एंग्शियस भी थे, उनके अंदर एंजाइटी भी तो थी कि क्या है। तो इससे फिर बात आगे बढ़ी, ये भी अल्लाह का एक तरीका। तो बहरहाल मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, सुवैद बिन सामत रजी अल्लाह तआला अन्हु। सुवैद बिन सामत रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना पढ़े लिखे आदमी थे और हिकमत लुकमान याद थी, जैसे आपके यहाँ हीर वारशाह वगैरह होती है, अरबों में हजरत लुकमान है उनके अकवाल नज्मों में लिखे जाते थे। जैसे इकबाल की शायरी को याद कर ले, शिकवा जवाब शिकवा कोट कर ले, तो इस तरह लुकमान की शायरी नसीहत आमोज, उन्होंने शायरी नहीं की उनके अकवाल, उनको शायरी में ढाला गया तो वो लोग याद करते थे जुबानी। और उसके अलावा ना दीन इब्राहिमी पर थे, तो जो भी बचे खुचे उनको दुआएं शुआएं आती थी, जंतर मंतर भी एडिट थे जाहिर है, जिस तरह बेसिकली तो दुआएं ही थी, इन्होंने शक्लें खराब कर दी थी वो इनको आती थी, और ये ना जिन सदों का इलाज करते थे, लोगों के जिन निकालते थे और वाकई इलाज करते थे, राखी थे मशहूर थे, लोग दूर दूर से इलाज के लिए इनके पास आते, तो ये भी हज करने आए और लोगों ने वही बात इनको सुनाई, तो ये इतने कॉन्शियस हो गए इस बात को लेकर कि वो खुद बयान करते हैं, कानों में रुई डालकर घूमते। तो एक दिन जब अल्लाह ने सुनाना होता किसी को, तो वो तवाफ कर रहे थे काबे का, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, और नमाज में आपने तिलावत की, तो अब तिलावत की हल्की हल्की आवाज, रुई डाली हुई थी तो लेकिन हल्की आवाज तो आती है, वो आ रही थी, तो उनको कलाम अच्छा लगा। तो सुवैद हूद कहते हैं, कहते मैंने अपने दिल में सोचा मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ
और मैं तो खुद लोगों के जिन भगाता हूँ, तो मैं क्यों डर रहा हूँ? मुझे हिकमत लुकमान याद है, तो बंदा तो ठीक ही लग रहा है, माकूल आदमी लग रहे हैं, तो मुझे सुनना चाहिए। मैं ही क्यों इन लोगों के जाहिलों के कहने पर इतना परेशान? रूई निकाल दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, सुएद बिन सामत मिले आकर, कहा मैं आप मोहम्मद हैं? आप सबको कहा हाँ बिल्कुल मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहने लगे मुझे आपसे मिलना है। आपने कहा हाँ जी, मिले आए, घर ले गए, बिठाया, तो कहने लगे मैं आपकी हेल्प करना चाहता, सुएद ने। आपने कहा यानी? कहने लगे कि आपको जिन आते हैं, जिन आपको सताते हैं, आप उल्टी सीधी चीजें सिखाते हैं, तो मैं आपकी जिन भगाना चाहता, मैं राखी हूँ, मैं लोगों का इलाज करता हूँ, आई कैन ट्रीट यू। आपने कहा ठीक है, किस तरह इलाज करते हैं, क्या है आपके पास? उन्होंने कहा मेरे पास हिकमत लुकमान है। आपने कहा सुनाइए। उन्होंने शार वगैरह सुनाए आप। जब खामोश हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना लिया। उन्होंने कहा जी। आपने कहा मैं कुछ कहूँ? उन्होंने कहा हाँ जी कहें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आयात सुनाई, कुरान किस सूरत की ये नहीं पता, लेकिन कुछ आयात सुनाई। तो वो पढ़े लिखे आदमी थे, तो हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये तो इंसानी कलाम नहीं है, ये किसी इंसान का कॉल नहीं हो सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ ये अल्लाह की वही है और मैं अल्लाह के नबी हूँ। तो सुवैद ईमान ले आए। इस तरह से था। तो ये वलीद बिन मुगीरा के ये खास हैं ये आयते। बाकी ये जो ऊपर वाला कैरेक्टर बयान हुआ है वो कुफार के और भी सरदारों पर फिट आता है, मगर वैसे खास तस्करा यहाँ वलीद बिन मुगीरा बदबख्त का। लेकिन आप देख लें, वलीद बिन मुगीरा बड़ा ही कट्टा काफिर था, मगर उसी के बेटे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु सैफुल्लाह बने। तो कोई पता नहीं किसको अल्लाह किस काम के लिए चुने। सोचा होगा कभी खालिद ने, इन्हाज़ा इल्ला कौनुल बशर, अल्लाह कहते हैं हरगिज नहीं, ये इंसानी कलाम नहीं है। यानी के वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि कहो मोहम्मद जो सुनाता है वो जादू है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कहा हरगिज नहीं, ये एक इंसानी कलाम नहीं, ये तो वही। अब अल्लाह वलीद बिन मुगीरा के लिए कह रहे सा उस ली ही सकर, इसको तो मैं जहन्नुम में झोंकूंगा। ये जो बैठकर मशवरे दे रहे ना कि मेरे नबी के बारे में ये कहो तो ये कहो तो ये कहो, तो इसको तो मैं जहन्नुम में झोंकूंगा। पता है क्यों? इतना असर और रसूख था इसका, अगर ये हक मान लेता और अपनी कौम को आमादा करता तो हालात बदल सकते थे। असर और रसूख है, जैसे चाहे इस्तेमाल करते, मगर इन जालिमों ने जब अपने असर और रसूख को इस्तेमाल किया बुराई के लिए किया, इसीलिए अल्लाह कहते हैं जहन्नुम में झोंकूंगा इन जालिमों को। वमा अदरा कमा सकर, कौन बताए आपको है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकर क्या है? अच्छा ये बड़ी अहम बात है, हमारा जहन ही वैसा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सताते थे, सहाबा को सताते थे, सतर्कता कौन था? वलीद बिन मुगीरा। अल्लाह पाक ने कहा ये जितना जुल्म और सितम कर रहे हैं आप टेंशन ना ले, मैं इसको जहन्नुम में डालूंगा। अच्छा कितना ही जुल्म हो जाए, कितना ही जुल्म हो जाए इंसान को, जहन्नुम का गुजारा एक लम्हा भी जो है ना उसको कम्पीट नहीं किया जा सकता दुनियावी जुल्म के साथ। लिहाजा इतनी ही बात बहुत है कि जो हम सब्र कर रहे हैं हमें जन्नत मिलेगी, और जो जुल्म कर रहे हैं उन्हें जहन्नुम मिलेगा, दैट्स इनफ। लेकिन उसके लिए जो जन्नत और जहन्नुम को समझता और मानता हो, हम तो जब बात करते हैं ना कि अल्लाह को जहन्नुम की सजा देगा तो आगे से कहते हैं हाँ ऐसे सुन दे आ रहे हैं, साढ़ी जिंदगी तो जन्नम बढ़ा दी फिर फायदा उन्हें जहन्नुम मिले। आपको पता ही नहीं है जहन्नुम क्या है, आपको पता ही नहीं है जन्नत क्या है। ये पता होता ना तो ऐसी फजूल बात ना कहते। यही तो फर्क है, ईमान के लेवल्स का फर्क। सबसे बड़ी नाकामी ये है कि अल्लाह किसी को डिक्लेयर कर दे कि ये जहन्नुमी है, और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अल्लाह किसी को डिक्लेयर कर दे ये जन्नती। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इसे तो मैं लाजमन जहन्नुम में डालूंगा, और आपको कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता है ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन्नुम है क्या। ला तबकी वला तजर, ना बाकी रखेगी ना मरने देगी, हाँ ना जीने देगी। हम दुनिया में कहते हैं ना कि तुम्हें तो ऐसे ही सजा दूंगा, ना जियोगे ना मरोगे, ये अल्लाह कह रहे हैं कि जहन्नुम वो है कि ना जीने देगी ना मरने देगी। जहन्नुम में मौत तो आनी नहीं है पर वो जिंदगी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन अहलिन नार, वो जो सजा है हमेशा की सजा, हमेशा का दर्द, ना खत्म होने वाला, वो कोई जिंदगी भी नहीं लेकिन मौत भी नहीं आनी,
ओहो, ला तबकी वला तजर, ना जिंदा रहने देगी ना मरने देगी, वो है जानी। दुनिया में इंतहा क्या है, मर जाएंगे। वो बड़ा सही शेर है मीर दाख का, वो कहते हैं अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कि अभी तो हद ये है ना, दुनिया में इंतहा क्या है, कोई किसी को मार दे इससे आगे क्या कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन अगर मरने के बाद सजा मिल गई तो कोई हल नहीं, तो जहन्नम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कुछ दिनों में, इसीलिए इतना हल्का लेते हैं। क्योंकि आप देखिए कुरान में जहां मुसलमानों पर जुल्म की बात होती है, अल्लाह पाक सिर्फ एक बात कहते हैं, मोमिनों के लिए जिन्होंने सब्र किया जन्नत की बशारत है, और जो इन पर जुल्म कर रहे हैं वो जहन्नमी। इतनी बात काफी है हर उस बंदे के लिए जो जन्नत और जहन्नुम पर ईमान रखता है, उसे समझता है, इतना ही बहुत। लवाहतुल लिल बशर, झुलसा देगी ये हाल को, स्किन को। अलैहा तिसअता अशर, उस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर किए गए। अब अल्लाह बेहतर जानते हैं 19 फरिश्ते किस तरह सारे जहन्नुम को हैंडल करेंगे। दो सूरतें हमें समझ आती है, या तो होगा कि 19 सरदार फरिश्ते होंगे, उनके मातहत बहुत सारे होंगे, या ये 19 जो हैं ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाले फरिश्ते होंगे। ये भी हो सकता है जहन्नुम ऑटोमेशन पर हो, सीरियस बात है, और इनका काम सिर्फ बटन ही चलाना हो, तो अल्लाह नोस। लेकिन ये बात कहकर अल्लाह ने कुफारे मक्का को आजमा डाला, और अल्लाह खुद कह भी रहे हैं, वमा जअलना अस्हाबन नार इल्ला मलाइकतम वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतन लिल्लज़ीना कफरू, और हमने जहन्नमियों को और उनके साथ मौजूद फरिश्तों की तादाद को काफिरों के लिए सिर्फ एक आजमाइश का जरिया बनाया। इन्हें अल्लाह कहते हैं, मैं जो बता रहा हूँ ना कि 19 फरिश्ते होंगे, ये बताना आजमाइश है, क्योंकि जो कुफार थे ना उन्होंने इसका बड़ा मजाक उड़ाया। अबू जहल वगैरह ने इस आयत का बड़ा मजाक बनाया, कहने लगे कि अच्छा इतना बड़ा जहन्नुम होगा, इतने वहां जहन्नुमी होंगे, पर सिर्फ 19 लोग होंगे जो दारोगा होंगे हमारे, तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो एक मादी कर्ब उनका पहलवान था, मशहूर था वो, 10 लोगों को अकेला, 10 लोगों के साथ कुश्ती लड़ सकता। तो कहने लगा 10 को तो मैं संभाल लूंगा, 9 को तुम लोग संभाल लेना, दो दो करके मजाक बनाया ना, मजाक उड़ाने लगे कि 19 तो लोग होंगे हम हैंडल कर लेंगे। तो यही अल्लाह कह रहे हैं कि हमने आजमाइश बनाया है इनकी, क्योंकि वो कहेंगे अच्छा 19 फरिश्ते होंगे, सारे जहन्नमियों को कैसे सजा देंगे, फितना बना दिए, इसको भी आजमाइश बना दी। और इसलिए भी हमने बयान किया कि अहले किताब को यकीन आ जाए और ईमान वालों का ईमान बढ़ जाए। अहले किताब को यकीन आने से मुराद ये है कि पहली किताबों में भी ये तذکرہ मौजूद था जिसे बदल दिया गया, आज हम नहीं पाते। और ईमान वालों का ईमान बढ़ जाए से मुराद ये है जैसे हम हर गैब पर ईमान लाए हैं, हम इस पर भी ईमान लाते हैं। हमारा रब कहता है कि जहन्नुम इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसको 70,000 फरिश्ते खींच कर लाएंगे, उस पर 70,000 लगामे, जहन्नुम पर 70,000 लगामे होंगी, हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे, उसको खींच कर लाएंगे, इतना बड़ा होगा जहन्नुम। और उस जहन्नुम में पहले काफिर से लेकर दुनिया के आखिरी काफिर तक सब जहन्नुमी होंगे, और उन सब जहन्नमियों को सजा देने के लिए सिर्फ 19 फरिश्ते होंगे। तो हम इसको मानते हैं ऐसे ही जैसे हम ये मानते हैं कि हमारा रब है, जन्नत है जहन्नम है, वैसे ही हम ये भी मानते। तो जब हम मानेंगे तो हमारा ईमान बढ़ेगा ना, अल्लाह कहते हैं मोमिनों का ईमान बढ़ाने का जरिया है। वला यरताब अल्लज़ीना उतुल किताब वल मुमिनून, और शक में ना रहे अहले किताब भी और ईमान वाले भी। ईमान वाले कैसे शक में ना रहे भाई, जिन्होंने पूरे कुरान को माना है वो इस बात को भी मानते हैं, हम सब हम पूरे कुरान को मानते हैं, हमारा रब कहता है मेरा अर्श है मैं उस पर मुतमक्किन हूँ, हम वो भी मानते हैं। तो हम अपने रब की हर बात को मानते हैं और इसको भी मानते हैं, लिहाजा हमें तो कोई शुबा है नहीं। अहले किताब की किताब में भी ये बात बयान हुई, उनको भी शुबा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नियत दुरुस्त नहीं है। वले यकूल अल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन वल काफिरून, कहें वो जिनके दिलों में मर्ज है, और वो कहें जो काफिर हैं, मुनाफिक और काफिर हैं। माजा मसला, अल्लाह क्या चाहता है ये बातें बयान करके, क्या साबित करना चाहता, यानी कि उनको इन बातों पर यकीन नहीं आएगा तो वो कहेंगे इन बातों का मकसद क्या है। अल्लाह कहते हैं कजालिका युजिल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा,
इसी तरह मैं मिसालें बयान करता हूँ, फिर जिसको अल्लाह चाहता है हिदायत दे देता है, जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। पकड़ के नहीं करते, अल्लाह मिसाल बयान करते हैं। जिनका ईमान और तयक्कुन सच्चा है वो राह पा लेते हैं, ईमान लाते हैं और उनका तस्लीम ईमान और तस्लीम बढ़ती जाती है, और जो इनकार करते जाते हैं, मशकूक होते जाते हैं, वो रस्ते से भटकते जाते हैं। हर किसी का अपना मामला है, जिसका दिल चाहे माने, जिसका दिल ना चाहे माने। अल्लाह फरमाते हैं, ला इकराह फी दीन कद तबय्यन रुश्द मिन अल-गय। दीन में जबर नहीं है, हिदायत और गुमराही वाजे कर दिए गए हैं, जिसको जिसको फॉलो करना है करो, जाओ आजाद हो। वमा यालमु जुनूद जनूद रब्बिका इल्ला हू, तेरे रब के लश्करों को सिवाय तेरे रब के कोई भी नहीं जानता। यानी अल्लाह कहते हैं 19 फरिश्ते क्या हैं, कैसे हैं, कोई भी नहीं जानता। उनकी पावर क्या है, उनकी रियलिटी क्या है, उनकी ताकत क्या है, कोई भी नहीं जानता। तो वो 19 फरिश्ते कैसे हैंडल करेंगे पूरी जहन्नुम को, कोई भी नहीं जानता। तो लिहाजा अल्लाह ने कहा 19 है, हम मानते हैं 19 है। कैसे जहन्नुम को हैंडल करेंगे, जैसे हमारा रब चाहेगा, हमें क्या, बस अल्लाह हमें जहन्नुम से बचा ले, बस हमारी यही गर्ज, बाकी हमें नहीं देखना कैसे हैंडल करना है, अल्लाह जाने और फरिश्ते जाने। हाँ अच्छा मुझे बताएं, ये आसमान जो बने हैं कैसे खड़े हैं, कोई सतून तो है नहीं, खड़े हैं ना। ये जो इतना इतनी बड़ी यूनिवर्स है, ये चल रही है अपने मदार पर, चल रही है बगैर किसी धागे, बगैर किसी चीज के चल रही है ना, क्यों कैसे, बस अल्लाह का हुक्म। जिस रब के हुक्म से सब कुछ हो रहा है, उसी के रब के हुक्म से ये भी होगा। तो हमारा सिर्फ एक मकसूद है अपने रब से, हमारा रब हमें जहन्नुम से बचा ले, वो हमें जन्नत में दाखिल फरमाए अपनी रहमत के साथ, बाकी हमें कोई क्वेश्चन नहीं। वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, ये बयान तो बहस इंसानों के लिए नसीहत है। अल्लाह कहती है जो मैंने छोटी छोटी बातें चंद एक बयान कर दी ना, कि जहन्नुम ऐसा है, जन्नत ऐसी है, जहन्नुम के ये निगरान है, तो ये तो सिर्फ नसीहत के लिए है। हाँ बाकी अंदाजा नहीं तुम कर सकते, कैसे अंदाजा करेंगे, हम तो जमीन का अंदाजा नहीं कर सकते। आप देखें एक जो वेल मछली है वो कितने टन, 132 या 122 टन गोश्त रोज खाती। अब मैं थोड़ा सा इसमें भूल गई हूँ, लेकिन 122 या 132 टन रोज गोश्त खाती है। अब आप सोचें समंदर में कितनी वेल मछलियां होंगी, इतने समंदर हैं, कितनी वेल मछलियां होंगी, और वो रोज इतना खाना खाती, अल्लाह उनको रोज देती। यही बात आपका दिमाग घुमा देती है कि इतना गोश्त डेली एक मछली खाती है, तो कहाँ से आता है वो इतना गोश्त। और ये सिर्फ वेल है, जो शार्क है, जो मगरमच्छ है, वो अलग है। जमीन का सबसे बड़ा जानवर वेल है, और वेल के बाद हाथी, ब्लू वेल सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ा उसका साइज, तो ये सबसे ज्यादा खाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही ज्यादा खाती है, मगरमच्छ की भी बहुत डाइट है, और जाहिर है बड़े बड़े हैं, शार्कों की भी है। तो आप सिर्फ ये सोचें, हाल ही आप इतना सोचें ना कि वो कितनी मछलियां रोज खाती होंगी, कहाँ से इतनी मछलियां रोज आती होंगी, वही आपका दिमाग घुमाने के लिए का। सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह है जो सबकी जरूरत पूरी कर, सिर्फ वही। तो अल्लाह कहते हैं मैं सिस्टम कैसे चला रहा हूँ, ये तुम्हारे समझने की औकात ही नहीं है। कि जो चंद बातें मैं बयान करता हूँ ना, सिर्फ इसलिए बयान करता हूँ कि तुम्हें थोड़ी नसीहत हो जाए, तुम थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल करो, गौर फिक्र करो, इसलिए समझाता हूँ। बाकी तो मेरे काम को समझना तुम्हारे बस में है ही नहीं। कल्ला वल कमर, हरगिज नहीं, कसम है चांद की, वल लैली इज अदबर, और रात की जब वो पलटती है, जब आखिरी हिस्सा होता है तहज्जुद का जो टाइम है, वह सुबह ही इजा असफर, और सुबह जब रोशन होती है फजर का वक्त, इन्हा ला इहदल कुबर, बेशक ये बहुत बड़ी चीजों में से एक है। क्या कयामत, एंड ऑफ टाइम, बहुत बड़ी बात है ये। नजीर लिल बशर, ये इंसान के लिए एक आगाही है, एक वार्निंग है, एक डरावा है। विमन शाह अमीन कुम आई यतकद्दमा ओ यतअख्खर, आप तुम लोगों में से जो चाहे आगे बढ़े या पीछे हटे, मर्जी है तुम्हारी। हमने बता दिया है कयामत आनी है, हिसाब होना है, जन्नती और जहन्नुमी अनाउंस होने हैं।
तुम्हारी मर्जी है जन्नती होने के लिए आगे आओ या पीछे होकर जहन्नुमी बनो, तुम्हारी मर्जी है, फ्री फ्री हो जाओ, करो जो करो। कुल्लू नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर बंदा अपने अमाल के बदले में रहन रखा हुआ, यानी कि जो तुम्हारे अमाल हैं वही तुम्हारा नतीजा है। नेक काम करोगे जन्नत में जाओगे, बुरे काम करोगे जहन्नुम में, मर्जी है तुम्हारी। इल्ला अस्हाबल यमीन, बचने वाले हैं दाएं हाथ वाले यानी कि नेकोकार। फी जन्नातिन, वो जन्नतों में होंगे, बाहों में होंगे। ये तसालून, सवाल करेंगे अनिल मुजरिमीना, मुजरिमों के बारे में, वो जन्नतों में बाहों में बैठे होंगे, मुजरिमों से पूछेंगे। यानी कि अब ये वो लोग हैं जो मुस्लिम है ना, कुफार की तो बात छोड़ दे। अब मुझे बताएं, अबू जहल से आप पूछेंगे कि अबू जहल तो जहन्नुमी क्यों है, वो तो अंडरस्टूड है। कोई ऐसा मुसलमान जिसको आप अच्छा समझते हैं और कयामत के दिन वो जहन्नुमियों में नजर आता है, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ना करे, फिर आप पूछेंगे कि तुम कैसे जहन्नुमी हो, तुम तो मोमिन थे, तभी सवाल उठेगा ना। मा सलककुम फी सकर, क्या चीज तुम्हें जहन्नुम में ले गई। कालू, वो कहेंगे, लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकू नुतमिल मिस्कीन, और हम मसाकिन को खाना नहीं खिलाते थे, वकुन्ना नहूदु माल खाइज़ीन, और हम बहस करने वालों के साथ बहसों में लगे हुए थे। यानी कि जिनको दीन पर शक व शुबा था, जो कुफार थे, जो मुनाफिक थे, हम उनके साथ लगे हुए थे, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, हमने गलत रास्ता चुन लिया। वकुन्ना नुकज्जिबु बियौमिद्दीन, और हमने फैसले के दिन को झुटला दिया। जुबान से झुटलाया या नहीं झुटलाया, अमल से झुटला दिया ना भाई, फंस गए। क्योंकि देखिए, काफर से तो डिमांड होनी नहीं है कि नमाज ना पढ़े, वो तो है ही काफर ना। जो काफर है, जो आपके स्कूल में एडमिशन ही जिस बच्चे ने लिया, उससे आप सवाल करेंगे कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, उसके साथ तो मसला ये है कि तुमने एडमिशन ही नहीं ली। ये तो उन लोगों के बयान है जो मुसलमान हैं। हाँ, अल्लाह जिसे जो चाहे बख्श दे, लेकिन उसूल क्या है। सूरह असर पढ़ते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहाती वतवासौ बिस्सब्री वतवासौ बिलहक, वतवासौ बिलहक की वतवासौ बिस्सब्र। जो ईमान लाए, नेकोकार हो गए, सब्र और हक की वसीयत की दूसरे। तो ईमान लाना, नेक अमल करना, अल्लाह कहते हैं जो नुकसान से बचेंगे, ईमान लाएंगे, नेकोकार होंगे और सब्र की तलकीन करेंगे और हक की तलकीन करेंगे, तो जिनमें ये सिफतें नहीं है फिर वो सजा पाएंगे। हम में बड़ी कमी है, अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे, लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश कर पूछे। हत्ता आता अनिल यकीन, जहां तक के हम पर यकीनी चीज आ गई। यकीनी चीज क्या है? मौत। जिंदगी में और कुछ आए ना आए, मौत तो आनी है। आज मैं जिंदा हूं तो एक दिन मैंने मरना है, ये यकीनी बात। तो यकीनी बात आने तक जो अल्लाह ने मोहलत दी, 40 साल की, 50 साल की, जितनी मोहलत दी वो जाया कर दी, मर गया, इसी हाल में मर गए, इसलिए आज जहन्नमियों में खड़ा हूं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन अस्हाबिन नार फमा तन्फउहुम शफातुश शाफईन। तो ना काम आएगी उनके किसी सिफारिशी की सिफारिश। अभी जो कहते हैं ना, बाबे बचा लेंगे, अल्लाह पाक कहते हैं किसी सिफारिशी की सिफारिश काम ना आएगी। फमा लहुम अन तज़किरति मुरीदीन, तो क्या है इन्हें, नसीहत से एराज बरतने वाले हैं ये, यानी इन्हें क्या हो गया, ये क्यों नसीहत से मुंह मोड़ जाते हैं। कान्नहुम खुमरुम मुस्तनफिरा, इस तरह भागते हैं जैसे बिदके हुए गधे। फर्रत मिन कसवरा, जो भागे हों शेर से डरकर। अल्लाह कहते हैं कुरान से ऐसे भागते हैं जिस तरह भागते हैं गधे शेर को देख, तो जैसे शेर को देखकर डरा हुआ गधा, कोई जानवर शेर को देख कर डर जाए और भागे तो रुकेगा नहीं ना। तो कुरान जब सुनाया जाए तो ऐसे डर कर भागते जैसे शेर देख लिया। बल युरीदु कुल्लुमरी मिनहुम, बल्कि चाहता है हर शख्स उनमें से, अन युक्ता सुहुफ़ मुनश्शरा, कि उसे एक खुला सहीफा दिया जाए, यानी कि हर बंदे को पर्सनल वही मिले, उसके पास एक रहदा किताब आ जाए। अल्लाह हरगिज़ नहीं, अल्लाह कहते ऐसा नहीं होने वाला। बल ला यखाफून अल आखिरा, इनकी बहसों का सबब यह है कि ये आखिरत का डर नहीं रखते। ये सबब नहीं है कि इनको बात समझ नहीं आ रही, इनको लगता नहीं है कि हमें उठाया जाए, दिल मानता नहीं, और उसकी वजह से ये बेखौफ थे। कल्ला, हरगिज नहीं, यानी अल्लाह कहते नहीं, छोड़ना तो मैंने नहीं, उठाना तो मैंने है। इन्नहु तज़किरा, कुरान तो नसीहत है। फमन शाअ ज़करह, जिसका दिल चाहे नसीहत कबूल करे।
वमा यस्कुरूना इल्ला अन यशा अल्लाह, और नसीहत नहीं पकड़ेंगे ये तब तक जब तक अल्लाह ना चाहे। ये अल्लाह कहते मैं ग्रांट करूंगा किसे नसीहत नहीं ली, और ये ग्रांट अल्लाह करते हैं दिल के हाल। हुआ अहलु तकवा व अहलुल मगफिरा, वही रब है तकवा का और वही रब है मगफिरत का, यानी अल्लाह ही है जो तकवा और मगफिरत देने वाला। तो अल्लाह से ही सवाल करना चाहिए, फिर अल्लाह जिसे चुनेंगे उसे हिदायत मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन हिदायत के लिए दुआ की करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह से मांगनी चाहिए, तब हिदायत मिलती है। हिदायत ऐसे राह पे नहीं मिलती, ठीक है? तो अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए हमें, आमीन। तो कुरान को अपना साथी बनाए ताकि अल्लाह पाक हमारे ऊपर आखिरत आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।